लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है। तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है तो थोड़ा सा आलस या थोड़ा सा आ, मतलब अपने आप को बचाने के चक्कर में हम किसी का पेट चीर दे ये मेरे आत्मा नहीं गवा और रही शुगर की बात शुगर के कारण बच्चा नहीं हो ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी प्लान चीज़ होती है यानी कि अचानक सडनली एक दिन मॉर्निंग में किसी को पता चला कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं एंड यू डेंट इवन रियलाइज के लिए नॉर्मल डिलीवरी तो एक रिस्की चीज़ होता है धरती पे हर इंसान जानता है और सदियों से यह बात जानता है मैं हूँ आपके साथ रिया सुमन इस वक्त सबसे जाने माने डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर सारिका है आइए कुछ बातें करते हैं इनसे कि लगातार बिहार में बहुत ऐसी जो परेशानियाँ है महिलाओं को लेकर और शिशु को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान परेशानी बढ़ रही है उसको लेकर हम बात करेंगे सबसे पहले मैम हमारे चैनल में आपका स्वागत है ये मैम बिहार में कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो थायराइड और जो शुगर के जो पेशेंट हैं वो उनका बच्चा ठहर नहीं पाता इसको लेकर काफी ज्यादा परेशानी बढ़ रहा है ऐसा तो नहीं है, है। देखिए थायराइड के कारण हो सकता है थोड़ा सा इनफर्टिलिटी हो बट इट्स अ वेरी वेरी इजली ट्रीटेबल चीज़ थायरॉयड बिल्कुल डरने की चीज़ नहीं है वो बहुत आसानी से दवाइयों के ऊपर कंट्रोल होती है और हर छः महीना तीन महीना डिपेंडिंग ऑन के कितना इरेगुलर आपका थारॉयड कंट्रोल है टेस्ट करा के अपने थायरॉयड के डोज़ को इनफैक्ट पेशेंट ख़ुद वो सीख लेते हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कि अपने थारॉयड को दवाई को कैसे बढ़ाना है घटाना है तो वो अब एक इनफर्टिलिटी का कारण नहीं रहा एक ज़माने में जब थाइराइड का इलाज अच्छे से नहीं हो पाता था तो यस वी कुड डाट्रीब्यूट कि थायरॉयड के कारण बच्चा प्रेग्नेंट नहीं हो रही है और रही शुगर की बात शुगर के कारण बच्चा नहीं हो ऐसी बात नहीं है पर यस शुगर अगर किसी औरत के शरीर में है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो कंजोनाइटल मैलफॉर्मेशन्स बच्चे में होना अबॉर्शन होना आगे चल के बच्चे के बच्चे में समस्या होना ये सब दिक्कतें होती हैं इसलिए कंसीव करने से पहले एवरी प्रेगनेंसी मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी प्लान्ड चीज़ होती है यानी कि अचानक सडनली एक दिन मॉर्निंग में किसी को पता चला कि हम प्रेगनेंट हो गए हैं एंड यू डोंट इवन रियलाइज़ सो so, अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको प्रेग्नेंट होना यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर बिफोर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्लान करने के कम से कम एक महीना पहले दैट्स नोन एज प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जो हम लोगों के यहाँ बहुत कस के मिसिंग है ये बिल्कुल होना चाहिए दूसरा ये ये मैम कि प्रेगनेंसी जो होता है कभी छोटा जो ऑपरेशन छोटी ऑपरेशन होता है बहुत कम लोगों को होता है लेकिन सबसे ज़्यादा होता है जो बड़ा ऑपरेशन से बच्चे होते हैं तो इसमें क्या दिक्कतें आती हैं कि सबको बड़ा ऑपरेशन से बचा करना होता है इसके लिए मैं डॉक्टरों को नहीं मैं समाज को इसके लिए इल्ज़ाम ठहराऊँगी क्योंकि अब जब हम लोग डॉक्टरी हम जब प्रैक्टिस करते हैं अब हम मरीज़ का हित देखें उससे पहले देखते हैं बापरे आ, मेरे को आरोप नहीं लग जाए मेरे ऊपर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी तो एक रिस्की चीज़ होता है धरती पे हर इंसान जानता है और सदियों से यह बात जानता है तो ऐसे नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ डॉक्टर के कोऑपरेशन से नहीं होगा द एंटायर टीम हैज टू कोऑपरेट द रिलेटिव हैव टू कोऑपरेट द पेशेंट हैज़ टू कोऑपरेट और ये कोऑपरेशन अब क्योंकि बहुत मिसिंग है इसलिए सजेरन से सेक्शन के रेट इतने बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लिए जाते हैं और कहने का तो सिर्फ़ बड़ा ऑपरेशन है कि बड़ा ऑपरेशन के बाद किसी तरह का परेशानी नहीं आता लेकिन बहुत ऐसे मरीज़ को हम देखें कि दर्द हो जाता है जहाँ पे टाका लगता है काफ़ी ज़्यादा उनको दर्द होता है और उनको बहुत झेलना पड़ता है इस चीज़ को देखा जाए वो नॉर्मल डिलीवरी से हो या सिजेरियन से हो टाका तो दोनों में पड़ता है और अगर मेरा पर्सनल राय लिया जाए तो जो नॉर्मल डिलीवरी का जो टाका होता है वो ज़्यादा पेनफुल होता है सिजेरियन के टाके के मुताबिक और अगर कोई इंसान अपना कुंडली अच्छे से पढ़वा लिया है और वो अच्छी तरह से जानता है कि मेरे ये दो बच्चे अमृत पी के पैदा हुए हैं इनको कुछ नहीं होने वाला है और तुम आपके जीवन काल तक वो एकदम स्वस्थ और मस्त रहेंगे तो दोनों बच्चे ऑपरेशन से हो जाएं और कोई आपत्ति नहीं है परंतु यस हम पर्सनली एज अ डॉक्टर हम बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस अननेसेसरी ऑपरेशंस एडवोकेट नहीं करते हैं बिकॉज नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के बहुत सबसे पहले इसी प्रेगनेंसी में क्या आप ये बच्चा जो पैदा कर रही हैं कोई गारंटी है कि उसको जॉन्डस नहीं होगा निमोनिया नहीं होगा कॉट डेथ नहीं होगा पलंग से नहीं गिर जाएगा या किसी भी तरह के हादसे का वो शिकार नहीं हो सकता है वी डू नॉट नो फ्यूचर हम लोग अपना फ्यूचर नहीं जानते हैं भगवान ने हमको बस एक ही चीज़ सिखाए सिखाया है कि अपने इस वक्त को अपने बुद्धि से अगर बुद्धि ही ब्रश किसी के वो अलग बात है पर अपनी बुद्धि से इस वक्त को अ, सबसे अच्छे तरीके से बिना किसी के साथ अन्याय किए हुए उसको बिताएं बाकी भविष्य आपके हाथ में नहीं है उसी उसी कॉन्सेप्ट को आ, अपना मूल मंत्र मानते हुए हम अपने आ, प्रैक्टिस में भी उसी को हम अपनाते हैं कि यदि मेरे को लगता है कि ये पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है तो थोड़ा सा आलस या थोड़ा सा आ, मतलब अपने आप को बचाने के चक्कर में हम किसी का पेट चीर दें ये मेरे आत्मा नहीं गवारता और ये एक चीज और आ रहा है मैम सामने कि सबसे ज्यादा भी जो आपके यहाँ आ रही है मरीज तो सबसे ज्यादा भी किस चीज़ का लेवल मतलब सबसे ज्यादा भी जो बीमारी है किस चीज़ का आ रहा है डेफिनेटली इन्फर्टिलिटी का पेशेंट ज़्यादा आ रहा है आजकल क्योंकि लेट मैरिजेज़ हो रहे हैं और पहले ज़माने में अगर कोई कंसीव नहीं करता था देश टू कीप हैविंग मल्टीपल वाइव्स सो ये वाला अभी ट्रेंड uh, चेंज हुआ है सो दे आर नाउ ऑप्टिंग फॉर ट्रीटमेंट रादर देन रीमैरिज अच्छा जो बच्चे जैसे ही पेट में आते हैं तो पेट में आने के बाद क्या होता है कि लोग कहते हैं कि दो के जी का है ढाई के जी का है तीन के जी का है तो कहीं ना कहीं उन उनसे रिलेटेड होता है माँ से रिलेटेड होता है तो बच्चे का वजन बढ़ते जाता है लेकिन अचानक से जब सडनली जब ये होने डिलीवरी होने का जो टाइम आता है उस टाइम बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे एक के जी का है दो के जी का है लेकिन जब वो पहले चेकअप करवाते तो रिपोर्ट में दो के जी तीन के जी आता है तो ऐसे ऐसा हो ऐसा हो नहीं हो सकता है अगर बच्चे का वजन पेट के अंदर घट नहीं सकता है भले वो बढ़ना बंद कर दे और जब घटने की नौबत आती है तो वो बच्चा पेट में मर जाता है ठीक है घटता नहीं है कोई वहाँ पे ट्रेडमिल नहीं है पेट के अंदर कि वो एक्सरसाइज करके अपने आप को घटा सके बट यस ग्रोथ चार्ट मेंटेन करना चाहिए देखना चाहिए कि मेरा मेरा बच्चा स्ट्रेट uh, लाइन पे चल रहा है कि वो डिविएट हो रहा है पतला होने की तरफ या वो डिविएट हो रहा है मोटा होने की तरफ और उस मुताबिक स्टेप्स आर टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंस ड्यूरिंग योर एंटीनेटल चेकअप इसलिए वो एंटीनेटल चेकअप मतलब हर महीना महीना हम क्यों पेशेंट को बुलाते हैं उसका चेहरा देखने के लिए नहीं और उसका सिर्फ बी और वेट देखने के लिए नहीं बच्चे का कंडीशन देखने के लिए और उस बच्चे से हम लोग वीकली टेस्ट क्यों करते हैं ताकि वो टेस्ट से हमको पता चल जाए कि, कि किस किस चैप्टर पे किस पे ये ये स्टूडेंट कमजोर है उस पर हम लोग वर्कअप करें जिस तरह से वीकली टेस्ट होता है बिल्कुल उसी तरह से हम लोग के मंथली चेकअप होते हैं बार बार चेक करके देखते हैं शुगर ब्लड प्रेशर हीमोग्लोबिन लिवर जॉन्डस बच्चे का वज़न माँ का वज़न ये सब चीज़ों को तो पहले मतलब टेस्ट करते हैं और उन रिपोर्टों के आधार पे फिर हम लोग अपना ट्रीटमेंट बताते हैं कि कहाँ पे कमी है इस पेशेंट में उस कमी की पूर्ति करते हैं ताकि नौ महीना आते आते पेशेंट नियर टू नॉर्मल रहे ताकि नॉर्मल डिलीवरी से अच्छा बच्चा हो जाए बहुत ऐसे जो सुनने में आ रहा है कि माँ नहीं बन पाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग अपने हस्बैंड को गलत ठहरा लेते हैं खुद को गलत ठहरा लेते हैं ऐसे में बहुत ऐसे जो लोग होते हैं जो दिमाग थोड़ा कम होता है तो सुसाइड कर लेते हैं कि माँ नहीं बन पाएंगे और ये समाज में सबसे बड़ा उसको कलंक माना जाता है कि ये माँ नहीं बन पाएंगे तो उसके लिए आप तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देखिए साइंस अब इतना आगे बढ़ गया अगर आप औरत है आप माँ बन सकती हैं स नहीं है तो सरगसी है और अंडे नहीं है तो उसे डोनेशन है मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स इतनी सारी चीज़ें आ गई कि अब ना माँ नहीं बन सकती हैं ये शब्द ऑलमोस्ट अब लुप्त हो चुका है यस जैसे जैसे तकलीफें मरीज में बढ़ती हैं तो उसका कॉस्ट भी बढ़ता है उसको माँ बनाने में बट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप माँ नहीं बन सको यानी ट्रीटमेंट अब आ गया है हर चीज़ का ट्रीटमेंट अब आ गया है और रही गलती ठहराने की पति का गलती है मेरा गलती है उसका गलती है हम नहीं समझ समझते हैं कि दुनिया में कौन गलत है ये बखान करने का कोई फ़ायदा नहीं यदि अगर कोई गलत है कि आप उसको सुधार सकते हैं क्या सिचुएशन को सुधारने की बात किया करिए खाली गलत है और उसको एक स्टैंप लगा के अपने आप को सुकून की ज़िंदगी बिता रहे हैं हम तो किसी को ऐसे नहीं देखे कि, कि कोई बहुत खुश हो के पड़ा हुआ है ये बस बोल के कि मेरे पति में गड़बड़ी है अरे गड़बड़ी है तो है तो उसका निदान निकालो जो इचिंग के बारे में लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में भी कुछ वजाइना में इचिंग एक तो हाइजीनिक कंडीशन में अगर वो नहीं रहती है शी डजन चेंज हर पैंटीज डेली पेशाब करने के बाद यू मस्ट वॉश योर सेल्फ सिर्फ पॉटी करने के बाद अपने आप को धोना नहीं है बहुत सारी लड़कियाँ ओवर हाइजीनिक हो जाती हैं वो लोग डेटॉल तो और इस तरह के केमिकल्स यूज करती है वजाइना में वो भी इचिंग का कारण बन जाता है बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोगों के शरीर में भी सोल्जर्स हैं तो आपके वजाइना में भी सोल्जर्स हैं जो तैनात खड़े हैं बाहर के बैक्टीरिया के साथ लड़ने के लिए जो डेटॉल होता है वो ये नहीं डिसाइड कर पाता है कि ये सोल्जर जो है ये शरीर के हित में खड़ा है या वो विपक्ष के आ, न, के लिए खड़ा है तो वो दोनों को मार देता है ठीक है तो जो मेरे जो जो मेरा गार्ड है जो मेरे घर का मेरे क्लिनिक का रक्षा कर रहा है अगर वही मर जाएगा तो बट नैचुर मेरा घर और मेरा क्लिनिक असुरक्षित हो जाएगा तो वही हो रहा है आजकल के जो वी वॉश है हम पर्सनली उसको नहीं एडवोकेट करते हैं एनी काइंड ऑफ केमिकल्स शुड नॉट बी यूज एज अ प्रोफिलैक्स इन द वजाइना इन्फेक्शन uh, नहीं हो हम तो बहुत लोगों को देखे हैं मुझे तुमसे तकलीफ नहीं हो उससे पहले हम तुमको मार दें अरे पहले जान तो लो कि तुम तकलीफ देने वाली हो कि हो सकता है तुम मेरी सबसे अच्छी uh, दोस्त, दोस्त बन, जाओ। बन जाओ तो ये एटीट्यूड ना बहुत गाँव का है और बहुत पिछड़ा हुआ है डिग्रियां बहुत है लोगों के पास बट मेंटालिटी चेंज करना ना यहाँ पे मुझे लगता है कुछ और सदियां लगेंगी सोल्यूशन ये है hygiene, मतलब कि प्योर सेल्फ हाइजीन मतलब की पैंटीज को चेंज करना चाहिए पेशाब करने के बाद भी पानी से केवल पानी से धोना चाहिए केमिकल्स uh, वहाँ पे यूज नहीं करने चाहिए अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है और यदि आपको इचिंग है तो सिर्फ अपना नहीं अपने पार्टनर का मतलब कि अपने पति का भी इलाज साइमिलटेनियसली कराना चाहिए ये हम अधिकांश देखे हैं कि हस्बैंड लोग बोलते हैं कि मैं क्यों दवाई खाऊंगा मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहीं पे होता है इस बीमारी को पनपने का सबसे बड़ा जड़ क्योंकि आप uh, मरीज को एंटीबायोटिक्स uh, देकर और वजाइनल टैबलेट्स देकर उसको तो ठीक कर दी फिर वो पति के साथ रहेंगी और इन्फेक्शन फिर वहां से लेकर आएंगे गेट द साइकिल हस्बैंड्स को यूजुअली प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है बिकॉज व्हेन दे टेक अ बाथ जो उनका ऑर्गन होता है वो बाहर होता है तो वो पानी और साबुन से वो धुलता है औरतों का जो ऑर्गन होता है वो अंदर वो गुफा का जैसा होता है वो अंदर होता है उसमें ना पानी जाता है और ना साबुन जाता है तो उसके अंदर के जो कीटाणु हैं उनको एक छोटा सा गुफा मिल जाता है जो एक से दस दस से हज़ार हजार से लाख दो चार पाँच दिन के अंदर बन जाते हैं दे मल्टीप्लाई और हस्बैंड में कीटाणु होने के बावजूद भी उसको दिक्कत इसलिए नहीं होता है क्योंकि मान लो वो लाख है वो नहाया वो दस बन गया फिर वो मान लो कल सुबह तक लाख बना फिर नहाएगा फिर वो दस बन जाएगा तो वो पनपता नहीं है ठीक है ना और औरतों के शरीर के अंदर वो बहुत जल्दी पनपता है इसलिए प्रॉब्लम औरतों को होता है पर जड़ पति में होता है एक और लास्ट सवाल है मैम पीरियड्स में इतना चिड़चिड़ापन और पेन सबसे ज्यादा होता है चिड़चिड़ापन बिकॉज इट्स अ हॉर्मोनल चेंज इसको हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन भी कहते हैं एंड uh, इसके लिए अगर आप uh, विटामिन ई e और अच्छा डाइट अगर फॉलो करेंगी मेडिटेशन करेंगी तो ये चिड़चिड़ापन से आप बहुत हद तक आप निजात पा सकती हैं और रही मेंस्ट्रुअल दर्द की बात एक अल्ट्रासाउंड एकदम अनिवार्य है ये जानने के लिए कि क्या ये मेंस्ट्रुअल दर्द फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है फिजियोलॉजिकल मतलब कुदरत का दिया हुआ पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी के कारण और कौन कौन बीमारियाँ मेंस में दर्द करवाती हैं एक तो है इन्फेक्शन पीआईडी जिसको हम लोग कहते हैं एक है फाइब्रॉइड और एक है एंडोमेट्रियोसिस दीज आर द थ्री मोस्ट कॉमन कॉजेज फॉर डिसमिनोरिया मतलब पेन ड्यूरिंग मेंस तो अगर यदि इन तीनों में से आपके पास कोई बीमारी है तो इसका इलाज डॉक्टर ही करेगा और एक और है मैम कि लोग कहते हैं लड़कियां लोग से सुनते हैं कि पाँच छः दिन पीरियड्स रुकना चाहिए लेकिन किसी का अढ़ाई दिन डेढ़ दिन ऐसे करके रुकता है तो वो लोग थोड़ा डर जाती हैं कि नहीं ये गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमको दिखाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है देखिए पीरियड का यस नॉर्मली तीन से चार दिन मेंस होना चाहिए अगर किसी को कम मेंस होता है ये डेफिनेटली एक लक्षण है कि शायद यूट्रस में कुछ कुछ गड़बड़ी है इसका इलाज कुंवरेपन में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है यदि वो शादीशुदा है तो इसका इलाज आसान है बट बहुत सारा जो मैं पर्सनली देखी हूँ हाइपोमेनोरिया मतलब कम मेंस गिरने वाली औरतों को बहुत आसानी से कंसीव भी करती हैं और बच्चे भी होते हैं तो अभी आपने डॉक्टर सारिका को सुने सारे इलाज के बारे में उन्होंने बताया और हमारी अच्छी काफी ज्यादा बातचीत भी हुई और ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करें यूट्यूब को सब्सक्राइब करें धन्यवाद लाइव न्यूज खबर तो पक्की है